से मिला जाकर, पहले क्या होता था कि काम आपके घर पे आता था, अब वैसा नहीं रहा, अभी आपको काम जाके ढूंढना पड़ता है. तो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट एंड आई स्टार्टेड मीटिंग एवरीवन. फिर जब मैं एक बारी सलमान के साथ था, हम CCL एक क्रिकेट लीग खेलते हैं, तो उसने कहा ये दाढ़ी क्यों उगा रखी है, शेव कर, सबके बुरे टाइम आते हैं. मेरा भी टाइम बुरा था एक बारी, पर मैं तेरे भाई की पीठ पर चढ़ गया था और संजय दत्त की पीठ पर चढ़ गया था. तो मैंने बोला फिर मामू मुझे तेरी पीठ पर चढ़ने से, आई मीन यू नो, सो ही एंड ही वाज रियली स्वीट. ही तब से उसने कभी, ही ऑलवेज केप थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग विद मी. एंड फाइनली जब फ़ोन आया मेरे मुझे, तो माँ सलमान का, मामू शेयर उतारेगा. मैंने बोला मामू मैं कुछ भी करूँगा. तो इसी तरह रेस भी शुरू हुई और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम. मामू मेरा मतलब बड़े भाई जैसा है, उसने हमेशा मतलब मेरी फैमिली के साथ उसके अटैचमेंट्स हैं एंड डेफिनेटली ही डेफिनेटली वांट विल बी हियर टू विश मी. और मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके जैसा इंसान मैं इस इंडस्ट्री में ऐसे है नहीं, वो एक ही है, एक मेरा मामू, मेरा दोस्त, मेरा भाई. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इतने ये 2-3 सालों में मैं आई हैव गॉट टू नो हिम मोर एंड इट बी रियली नाइस टू हैव हिम एट होम. और इतने सालों में अगर हम लोग देखें 50 सालों में, कौन सी चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर करती है मतलब लगातार आगे बढ़ने के लिए? मेरे पापा, आई मीन उनके जैसे मुझे, उनके जैसा कोई है ही नहीं इंसान इस दुनिया में. ये नहीं कि वो मेरे पापा है, लेकिन पूरी दुनिया यही कहती है. और ही इज़ माई बिगेस्ट इंस्परेशन एंड मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ. और पापा भी बहुत खुश होते हैं मुझे भी देख कर कि तूने इतनी मेहनत की है, और हमेशा बस कहते रहते हैं अभी तेरी चाल भी बदल गई है. तो एकदम सॉलिड लग रहा है. मैं बोला हाँ जी पापा. भैया भी, भैया ऑल्सो उनकी बैक की कितनी प्रॉब्लम रहती हैं, लेकिन वो कभी मेहनत से हटते नहीं हैं. एंड ये सब चीज़ें मैंने, मेरे घर में थी, मैंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया कि इतने लोग हैं जो इतना हार्ड वर्क करते हैं, गिव अप नहीं करते. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड आई पुश्ड मायसेल्फ हार्डर एंड वेरी ब्लेस्ड टू बी देयर सन.